हेलो गाइस, नमस्कार। और बहुत दिनों बाद हम फिर से एक बार दिखे हैं आपको। काफ़ी टाइम हो गया, तो बड़े दिनों के बाद मुहूर्त निकला है हमारा आज घूमने जाने का। और अचानक से सडनली अभी प्लान हुआ है। आज वैसे सैटरडे, और सैटरडे को अभी करीब 3 बज चुके हैं, और 2 बजे तो कॉलेज से ही आया। तो कॉलेज से आने के बाद अचानक से प्लान बना कि हम अब जाएंगे यहाँ से सीधे हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी। तो उसकी अब हमने पैकिंग करना चालू कर दिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारी तैयारी। ये हमारी कैंपर वैन कार है, जिसमें किचन सेटअप और बेड सेटअप है पूरा। तो आप देख सकते हो इसमें ये पूरा सेटअप लगा हुआ है। और अच्छा, नानू भी है, चालू हो गया नानू। बहुत दिनों बाद आपको नानू देखने को मिलेगा। तो इसके साथ यात्रा करने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पूरा ज़रूर देखना हमारा। तो अभी हमारी चल रही है तैयारी, तो मैं आपको दिखाता हूँ तैयारी कैसे पैकिंग करते हैं और कैसे इसको गाड़ी को कैरावेन में हम कन्वर्ट करेंगे। तो आप ये देख सकते हो रोशनी कर रही है तैयारी घूमने जाने के लिए। तो गाइस, अभी हमारी चल रही है पूरी। ये देखो हमारे गैस चूल्हा है, और ये पीछे की साइड में ये गैस सिलेंडर है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा अभी किचन का सामान पूरा जमा रहे हैं हम, ग्रॉसरी वगैरह। और ये खाने पीने का पूरा सामान रख लिया हमने हमारे किचन में। और ये देख सकते हो ये पूरा ये बेड लगा देंगे हम। तो अभी आपको मैं बताता हूँ इधर साइड से। ये देखो नानू की सीट पे बैठ चुका है, लेकिन ये हमने पीछे की साइड में रहता है हमारा सिलेंडर, जो है 2 से 2.5 किलो का सिलेंडर है ये। और अभी ये बेड ऐसे ही खुला रखा है, देखो ये फोल्डिंग बेड है पूरा हमारा। तो अभी हमने क्या, किचन पहले खोला है, तो किचन में सामान रखेंगे, जो ज़रूरी ज़रूरी सामान है उसको रख के इस बेड को अपन फोल्ड करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसको हम तैयार करते हैं पूरा बेड को। तो अभी तो आप ये देख, सिलेंडर लेके चलते हैं, तो हमें साथ में ये भी रखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, कोई इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए तो ये बहुत काम की चीज़ है। और अभी ये मैंने करके देखा है 1-2 दिन पहले ही क्लिनिक के पास में, इसका यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बिल्कुल मेरे पास में रहता है ड्राइवर वाली सीट पर, जिससे कि कोई दिक्कत हो तो इमरजेंसी में अपन इसका यूज़ कर सकें जल्दी से जल्दी। बेड के नीचे काफ़ी स्पेस है, इसमें हमारे क्या गर्म कपड़े वगैरह होते हैं ना, वो आ जाते हैं आराम से। जैसे कंबल रखा है नीचे अंदर, ऐसे ही हम बाकी की चीज़ों को रख देंगे। ये पीछे इसमें और बैग भी रखा रहता है, देखो पीछे कपड़े रखे हैं। इसमें भी खाली बूट स्पेस भी काफ़ी खाली पड़ा है। इस बूट स्पेस में हम लोग क्या है सिलेंडर वगैरह और बाकी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। बाकी इधर देखो बैग आ गया हमारा, और ये दोनों बच्चे लेट गए हमारे, तैयार हो गए पूरी तरीके से। बेटू फिर चालू कर दिया तुमने मोबाइल? तो गाइस घर से निकल गए हैं, पूरी तैयारी कर ली है हम लोगों ने, और अब हम निकल रहे हैं सीधे यहाँ से हरिद्वार के लिए। हरिद्वार से मसूरी जाएंगे, ऋषिकेश, और हमारा देहरादून का टूर रहेगा। और इस टूर के लिए अब निकल रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले ले बजरंगबली का नाम और निकलते हैं भगवान। आप देख सकते हैं ये मैं लेटा हूँ, और अब थोड़ी देर 2-3 घंटे हम यहाँ पे आराम करेंगे। आराम करने के बाद यहाँ से निकलेंगे सीधे हरिद्वार के लिए। बेटू कितने आराम से सो रहा है, 6 बजने पहले सुबह के हमें करते हैं फ्रेश व्रेश होने के लिए। और ये नानू हमारा आराम से सो रहा है। वाओ, देखो ये नानू को यहाँ पे गार्डन में स्लाइड मिल गया है, तो अभी खेलेगा नानू। धीरे से आना भैया, भूत कहाँ है? भूत चीटिंग करता है, नानू चीटिंग करता है क्या? करता yes, है yes, 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 yes. दोबारा करना
क्या हुआ, सुन तो लो भी, तू क्या कह रहा है। तो गाइस गुड मॉर्निंग, और हम अभी हरिद्वार जा रहे हैं। तो हरिद्वार हमसे हमारा रहा है करीब 120 किलोमीटर यहाँ से। और अभी टाइम हो गया है, 9 बज गए सुबह के। तो थोड़ा पहले नाश्ता बना ले कुछ यहाँ पे। तो नाश्ते के लिए हमें बहुत ही प्यारी जगह मिल गई, यहाँ पे बाग है पूरा आम का, इतनी बढ़िया छाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने गाड़ी को रोक लिया है, और यहाँ अभी ये अपने किचन के पिटारे को खोल कर यहाँ पे नाश्ता और चाय बनाएंगे। ये देखो नानू कहाँ, बेटू कहाँ चढ़ रहा है। नानू डांट दो कुकू को, नानू कुकू डांटो, नीचे आओगे, बुलाओ उसको नीचे, डांट दो नानू को, बुलाओ, आ जाओ नानू, गुस्सा क्यों कर रहे हो। ये देखो नानू कितना गुस्सा कर रहा है, ये देखो देखो ये देखो ये इधर नानू को देखो कोई, ये देखो कैसे गुस्सा कर रहा है ये लड़का। तो गाइस नाश्ते में हमारे हो रहे हैं पोहा तैयार, देख सकते हो आप, फटाफट तैयार किया है इनको। उसके साथ चाय बनाएंगे, और चाय के साथ फिर पोहा खा के हम निकलेंगे सीधे हरिद्वार के लिए। और आज का जो हमारा प्लान है केवल हरिद्वार घूमने का है, और स्टे हम ऋषिकेश में करेंगे आज। तो आप देख सकते हो हमारा किचन के पिटारे में खाना पीना तैयार हो रहा है, और ये दोनों बच्चे इंतजार कर रहे हैं नाश्ते का। नाश्ता रेडी हो गया भैया, नानू खाएगा टोस्ट। क्या खाओगे नानू? चाय। नानू क्या खाओगे? ओए वो भी सदमे में, बेटू को लग गई इसलिए, उसी से लगी है ना इसलिए। नानू क्या खाओगे? कैसे खाओगे नानू, कैसे खाओगे ऐसे? और तुम? तो गाइस ये हो गया हमारा नाश्ता तैयार, आप देख सकते हो हमने पोहा और चाय तैयार किया है। नानू बेटू ये खाएंगे टोस्ट। हटा दूं? पापा। हाँ। पानी। पानी पीना है, रोशनी ग्लास दे देना इसके लिए नानू के लिए। आप भी पोहा खाओ। अब हमारा चल रहा है नाश्ता, और नाश्ता करके हम जाने वाले हैं ऋषिकेश, नहीं पहले हरिद्वार जाएंगे। हरिद्वार में गंगा स्नान करेंगे, और जो भी वहाँ पे दर्शनीय स्थल है सारे घूमेंगे। उसके बाद हम ऋषिकेश में आज स्टे करेंगे, और हमारी पूरी फैमिली साथ। देख सकते हो नानू बहुत मजे कर रहा है, बेटू को चोट लग गई है ना बेटू, दिखाना कहाँ लगी है, गेट में इसका हाथ आ गया, लेकिन हमारे पास सारा सामान है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कभी भी अपन सफर में जाएं तो पूरी फर्स्ट एड किट साथ में लेके जाएं। ये बेटू पान नल चला रहा है, नानू पानी भर रहा है। क्या हुआ नानू, पानी भर रहे हो? नानू पानी भर रहे हो? कोई नहीं, बस अब बस। ये देखो नानू को पानी भर के ला रहा है। बेसोला मैं सर पे रख के लेके चलूंगा। अरे वाह, अरे नानू क्या लेके आए हो? पानी भर के लाया है नल से। नानू क्या लेके आए, क्या बन रहा है? ठंडा ही। क्या डाला है इसमें? इसमें ठंडा ही डाली है, ठंडाई का पेस्ट डाला है, जिसमें सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह और सौंफ, काली मिर्च, खसखस, सारी चीजें, और दूध और शक्कर। भाई अभी आप देख सकते हो गाइस हमारा नाश्ता और चाय रेडी हो गया, और अब हम लोग वापस निकल रहे हैं यहाँ से। बहुत ही अच्छी लोकेशन थी यहाँ पे, आप देख सकते हो कितनी प्यारी लोकेशन है। रोड साइड में ही बाग बना हुआ था आम का, इस आम के बाग में हमने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्टे किया, और स्टे करके हमारा चाय नाश्ता किया, और चाय नाश्ता करके अब निकल रहे हैं वापस हरिद्वार के लिए। और अब आपको मिलते हैं सीधे हरिद्वार के अंदर, हरिद्वार में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों की मस्ती भी आपको बहुत देखने को मिले। और ये हमारा देखो, हमारा है यात्रा पार्टनर 21, ये हमारी टैग लाइन है,
घूमो फिरो ऐसा करो। तो ऐसा छोटी छोटी खुशियाँ बटोरने का अपन को मौका चाहिए होता है, और आप लोगों को भी हम तो यही कहना चाहेंगे कि जब भी मौका मिले निकल पड़ो थोड़ी देर के लिए कहीं पे भी अपने खुद के लिए टाइम निकाल के। सारी ज़िंदगी नौकरी ये सब तो चलना ही है, ड्यूटी जॉब सबका करना ही है, लेकिन अगर टाइम है तो वो अभी है, इसलिए जब भी मौका मिले कहीं भी घूमने के लिए निकल जाओ, नहीं तो एज निकल जाएगी, उसके बाद केवल अपने पास बॉडी पे हाथ पैरों में दर्द रह जाएगा और कुछ नहीं रहने वाला। तो इसलिए मज़े करो, घूमो फिरो, रेस्ट करो। मिलते हैं आपको हरिद्वार में।